हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मास्टर टेलर। तो आज हम सीखने वाले हैं कि शेरवानी का साइड पॉकेट किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शेरवानी का पॉकेट जितना साइज हम लगाते हैं उससे 1.5 इंच या 2 इंच का ज़्यादा इस तरह से काट लें। पॉकेट से 1.5 इंच या 2 इंच ज़्यादा होना चाहिए। सबसे पहले आयरन से इस तरह से उसको प्रेस कर लें, कपड़े को, पॉकेट के कपड़े को कस के मार करके इस तरह से प्रेस कर लें। ये जो कपड़ा है शेरवानी का, ये फैंसी कपड़ा है। ये मैं फैंसी कपड़ा जेब को इसलिए नहीं लगाया पॉकेट को, क्योंकि ये फैंसी कपड़ा ज़्यादा सर्विस नहीं देगा, ये वक्त से पहले फट जाएगा। फैंसी कपड़ा जहाँ से हम सीते हैं सिलाई में से वो फट जाएगा, इसलिए मैंने नॉर्मल कपड़ा इसको लगाया है ताकि ज़्यादा सर्विस दे सके। ये बॉडी के मार्जिन को जो है इस तरह से सी लेना है। मार्जिन को सी रहा हूँ मैं, ये सिर्फ अंदर जो मार्जिन होता है ना शेरवानी का, उसको मैं अटैच कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने किस तरह से इसको जॉइंट कर दिया है। ये पॉकेट का विड्थ 7 इंच, 7 इंच काफी है। पॉकेट का विड्थ, ज़्यादा विड्थ की ज़रूरत नहीं है। अब मैं पॉकेट के ऊपर सेम पीस लगाऊंगा, क्योंकि ये कपड़ा बाहर दिखेगा ना, इसलिए सेम पीस लगाएंगे। इसको बराबर लेवल को जॉइंट कर देना है। ये कपड़ा जॉइंट करने के टाइम बैलेंस आउट नहीं होना है। बैलेंस आउट होगा तो फिर फोल्ड मारेगा पॉकेट का कपड़ा, अंदर से फॉल्ट आएगा ऊपर भी। अच्छा से जमा लें इस तरह से ताकि बैलेंस आउट नहीं होना है।
इस तरह से पलटा के जो है इसको ऊपर सिलाई लगा लेंगे। मैं बहुत ही स्लो काम कर रहा हूँ इसलिए कि ताकि लोगों को समझ में आए बहुत आसानी से। अगर मैं अपने आप में ही काम कर रहा है तो मैं बहुत फास्ट काम कर सकता था, मगर मैं फास्ट काम इसलिए नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं फास्ट करूँगा तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं स्लो कर रहा हूँ। अच्छा सा लोग समझ काम को समझे इसलिए। अभी ये ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का इस तरह से पैक करके और शेप ले लेके इसको मार्जिन को काट देना है। ये मार्जिन कुछ काम का नहीं है, ये पार्ट ऊपर का है। अब देखिए नीचे का पार्ट, जहाँ पे चाक एंड होता है उससे 2 इंच ऊपर तक ये पॉकेट आना चाहिए, 1.5 इंच 2 इंच। अगर ये चाकू नीचे की चाक को अगर पॉकेट टच होगा तो वो डिस्टर्ब करेगा पॉकेट, इसलिए हम पॉकेट को थोड़ा ऊपर रखते हैं चाक से। अब नीचे का भी पैक कर देना है। अभी इस तरह से चारों तरफ चार टाके लगा लेना है उसको। ये इसको पॉकेट को पकड़ के रखेगा, इधर उधर भागेगा नहीं पॉकेट। ऊपर 2 नीचे 2, इसको खींच के बराबर लेना है। पॉकेट टाइट नहीं होना चाहिए, पॉकेट टाइट होगा तो फिर बॉडी को खींचेगा वो पकड़ के, चलता है थोड़ा, पॉकेट लूज भी रखेंगे तो। पॉकेट अगर टाइट होगा तो बॉडी को पकड़ के खींचेगा वो अंदर से, फिर ऊपर का बॉडी के ऊपर फॉल्ट दिखेगा। अब इधर भी फोल्ड नहीं होना है, इधर भी थोड़ा सा पॉकेट लूज चलता है, पॉकेट टाइट नहीं होना है इधर लंबाई में या चौड़ाई में। अभी ये बन गया पॉकेट। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसका चाक का लाइनिंग किस तरह से बिठाते हैं वो वीडियो हम बना करके अपलोड करेंगे। देखिए आप लोग, ये बन गया पॉकेट, साइड पॉकेट। नेक्स्ट वीडियो जो है साइड चाक का वीडियो हम बना करके अपलोड करेंगे।